नमस्कार पशुपालक साथियों, साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नस्ल सुधार के ऊपर जो हम कार्य कर रहे हैं, तो आज उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्टों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए साथियों आज की वीडियो शुरू करते हैं और आप आज आपका जो रिजल्ट आया हुआ है आज उससे आपसे रूबरू कराते हैं। तो साथियों ये जो आप सामने स्क्रीन पे कटली देख पा रहे हो ये 10/26/99 बुल की है, जो कि बोलते हैं लोग HLDB का सीमन भी अच्छा है, ऐसे नहीं है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा सीमन है। HLDB के 10/26/99 बुल की ये कटली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं हम सब रिजल्ट को आपको रूबरू कराते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए थे भाई के यहाँ सीमन लगाने के लिए, तो देखा तो मैंने की कटिया का रिजल्ट आपको दिखाते हैं। तो मैं इसकी पीट क्वालिटी की बात करूं तो बहुत बेहतरीन पीट क्वालिटी है, आप देख सकते हो, देखिए। और मैं इसके चेहरे मोरे की बात करूं तो आप खुद देख सकते हो बहुत अच्छे चेहरे मोरे की है, थोड़ी मिट्टी में ज़रूर हो रही है। और इसकी मैं जो नीचे की अडर की बात करूं तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ से और यहाँ तक पूरा आर्डर चलेगा इसका, बिल्कुल आप देखिए थनों की बनावट देखिए, जो टिप्स की बनावट है वो बहुत अच्छी है। देखिए अभी से रिंकल इतने हैं, देखिए बिल्कुल बहुत रिंकल और बिल्कुल मोटे मोटे थन बनेंगे इसके। देखो ये देखिए, ये देखिए स्पेसिंग बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी शानदार लमेट कटिया है। थोड़ी मैं इसकी पूंछ की बात करूं तो इसके पूंछ में ज़रूर थोड़े सफ़ेद बाल हैं, वैसे पूंछ 2 इंच ही है क्योंकि इसके बाप की तो बिल्कुल ब्लैक जेड है और माँ की भी है, मगर आ जाता है थोड़ा बहुत, बाकी बहुत अच्छी कटिया है। तो ये हमारे रिजल्ट हैं, तो इन रिजल्टों से आपको रूबरू कराते हुए एक और हमने जो सीमन लगाया था वो नाक का लगाया था, ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस छोटी को, तो ये नाक की है जो कि लक्ष्मी डेयरी फार्म के का बुल है। तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और नीचे की मैं बात करूं इसकी तो देखिए लाखों में एक है नीचे की, पकड़ना भाई रब, देखिए रोक भाई, बहुत ही बहुत अच्छी क्वालिटी है, देखिए आप पकड़ पकड़, देखिए आप देख सकते हो। ये नाक के रिजल्ट आपको रूबरू कराते हुए देखिए कितनी बड़ी शानदार बनेगी, थोड़ा तेज है, थोड़ा हाथ नहीं लगाने दे रही है, डर रही है। और मैं इसकी पूंछ क्वालिटी की बात करूं तो पूंछ में बिल्कुल ही बहुत कम, 1 इंच भी नहीं है रवि, हाँ 1 इंच भी सफ़ेद नहीं है। और मैं इसकी पीट क्वालिटी की बात करूं तो बहुत बेहतरीन पीट क्वालिटी है, बिल्कुल ब्लैक जेड है, थोड़ा रेत में है, बैठी हुई है आराम से। तो भाई साहब कैसे रिजल्ट मिले आपको? रिजल्ट बढ़िया मिले भाई साहब। तो कई बार से सीमन रखवा रहे हो आप? दो बार दो बच्चे आपके पास आ लिए और आज भी सीमन के ही लिए आपने बुलाया था, तो आज कौन सा सीमन लगवाया? आज भीम कुंगड़ का रखवाया। भीम कुंगड़ का जो सीमन भाई साहब ने लगवाया आज इस बड़ी वाली भैंस में, जो मैं आपको दिखाता हूँ, आज इस भैंस में अभी की सीमन लगाया है भीम कुंगड़ का, इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इसकी मैं जो दूध क्वालिटी की बात करूं तो कितना दूध है भाई बताओ? 15 दूध दे रही है, कौन से ब्यांत में? भाई ये तीसरे ब्यांत में है, 19 किलो दूध दे रही है। तीसरे ब्यांत में है 19 किलो दूध है, नीचे की बहुत ही बहुत शानदार है, बहुत हाइट लेंथ की और वजन की भैंस है, आप देख सकते हो। आज इसमें सीमन लगाया है सिर्फ नस्ल सुधार के लिए, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नस्ल सुधार में, जो
दो रिजल्ट आपको रूबरू कराए जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तीसरी बार अब लगवाया है, अब पता लगेगी कैसा रिजल्ट आता है। तो एक और मैं आपको कूलर पंखे का जुगाड़ दिखाना चाहता हूँ। ये भाई ने देसी जुगाड़ बनवा रखा है पंखे का पशुओं के लिए। देखिए आप, बिल्कुल सेट करवा रखा है, बहुत अच्छा जुगाड़ है। ये देखिए, तो उम्मीद करूँगा साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बार अच्छी क्वालिटी का सीमन लगवाएं, जिससे कि अच्छे बच्चे हम पैदा कर सकें और जिसका रेट अच्छा मिल सके। क्योंकि आप देख रहे हो कि इस वक्त पशुपालन में घाटे का सौदा चला हुआ है, क्योंकि दूध के रेट नहीं हैं, उस वजह से भारी प्रॉब्लम है। तो दूध के रेट तो बढ़ेंगे नहीं, मगर हम ब्रीड का सुधार करके दूध ज़रूर बढ़ा सकते हैं। तो दूध बढ़ाने के लिए हमें अच्छे सीमन का प्रयोग करना पड़ेगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छा सीमन लगवाएं, कोई लगवाओ, HLD भी लगवाओ या कोई प्राइवेट बुल का लगवाओ, कोई लगवाओ, मगर अच्छा लगवाओ, उसका पूरा रिकॉर्ड रखो। तो इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम जी।